नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी प्रो डॉट इन से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेक रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी ना मिस हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अपडेट आता है आपका ओप्पो की तरफ से, जिसने अनाउंस किया है उसने एक रेनो नाम का एक न्यू स्मार्टफोन का सीरीज़ लॉन्च करने वाला है 10 अप्रैल के अंदर। इस फ़ोन का जो हाईलाइट दिया गया है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपका 10x हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करेगा, जो कि चाइना में भी बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। अगला जो अपडेट आता है आपका गूगल पिक्सल 2 का तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड क्यू का अपडेट, जो कि एक डेवलपर प्रीव्यू है जो कि बहुत ही जल्दी रोल आउट होने वाला है। एंड्रॉयड क्यू का जो बीटा वर्जन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइस में देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड का, जो कि आपका कंपैरिजन में जो है एंड्रॉयड पी बीटा से, जो कि लास्ट ईयर आया था। अगला जो अपडेट आता है आपका वीवो का Y3 एंड वीवो का Y5 का तरफ से, जो कि आपका एक स्मार्ट फ़ोन है। ये आपका बजट में भी, बजट फ्रेंडली भी है ये फ़ोन, और जो कि इंडिया में लॉन्च करने वाला है IPL सीज़न के दौरान 2019 में। वीवो का जो Y3 का मॉडल, इसका जो प्राइस है ये हो सकता है आपका 10,000 से लेके 15,000 के अंदर में, और जो वीवो का Y5 है इसका जो प्राइस सोचा जा रहा है ये हो सकता है आपका 15,000 से 20,000 के अंदर में। और ये जो डिवाइस है ये आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में 23 मार्च के आसपास में। आखिरी वाला जो अपडेट आता है आपका सोनी का तरफ से, सोनी ने लॉन्च कर रहा है अपना न्यू Xperia 4, जो कि आता है आपका स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर के संग, और इस फ़ोन में आपको हेडफोन का जो जैक है वो नहीं देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले का साइज़ है ये आपका है 5.7 इंच का HD+ विथ 2520x1080 पिक्सल का। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के संग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत।